हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। इस वीडियो में आज बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी आईटीआई में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ओके तो यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रिलीज़ की गई, रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, जिसमें आपकी सैलरी बताऊँगा, आपकी एज लिमिट, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इस वीडियो में देखेंगे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शंस कमीशंस ओके, तो ये इजी में लिखा हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस कलेक्शन सॉरी सेलेक्शंस कमीशंस ओके। सो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, उसका शॉर्ट नेम में आप बढ़ी सकते हैं। अब पोस्ट का नाम है आई टी आई इंस्ट्रक्टर यहाँ पर पोस्ट का नाम है। उसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है ओके 2504। अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड से, जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, सैलरी आपकी 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक की, मतलब ये मतलब सैलरी यहाँ पर बताई गई है। 21 आपकी ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम एज है आपकी होनी चाहिए इतना ओके। तो आप समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, आपकी यहाँ पर 40 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लगता है, जो जनरल के लिए यहाँ पर ओबीसी के लिए 25 रुपीज़ और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 15 रुपीज़ ओके। सो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 25 रुपीज़ है बस। सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के थ्रू होगी, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर 10th पास हुई रहनी चाहिए विथ आईटीआई फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट से। और स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 18 जनवरी 2022, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 8 फरवरी 2022। अप्लाई मोड यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन मोड से करना होता है, जहाँ पर आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। अब जब लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप जो है इस पेज पर आते हैं, ये इस पेज पर ओके। सो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे जो आपको रिगार्डिंग टू पोस्ट यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, फिर नो योर स्टेटस एंड एग्जामिनेशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह है, और भी यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन दे दी जाती है जिसे आप पढ़ेंगे, और अनाउंसमेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं ओके। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट नोटिस बोर्ड में अलग अलग नोटिस आती हैं, यहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे मैं जब क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर आप कुछ हो रहा है ओके, तो वेट कर लेना होगा ओके। ये सेगमेंट वगैरह है ठीक है ओके ओके। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आप अप्लाई करने का प्रोसेस है यहीं से आप कंप्लीट करेंगे, आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब फिल कर देंगे, जेंडर बता देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए इजी प्रोसेस है, फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसेस पे क्लिक करके फिर आगे प्रोसेस होगा, फिर आगे होगा, लास्ट में आपको सबमिट कर देना होगा, जिस वजह से इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इजी वे है, यही तरीका है आपको अप्लाई करने का ओके। आपको पेमेंट वगैरह भी रहेगा, तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे मोड अवेलेबल रहेंगे आपके लिए ओके। सो आप ऐसे करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है इस पेज का, तो क्लिक करके इस पेज पर आएँ और अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है, मैंने एलिजिबिलिटी तो बताई दी आपकी कि क्या क्या होगी क्या क्या नहीं होगी, आपको वो सारी चीज़ बता दी, बाकी सिर्फ अप्लाई करने का काम है वो आपको करना है जैसा मैंने बताया। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके चेक कर लेना और फिल कर लेना जैसा मैंने बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।